नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। एक बहुत ही अच्छी न्यूज, बहुत ही सुनहरी न्यूज जिसका इंतजार आप सभी लोग कर रहे थे। उधर से ही लगातार मैं बोल रहा था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपकी जो वैकेंसी आने वाली है, अभी डिपार्टमेंटल वैकेंसी आ चुकी थी, उसका एग्जाम आपका होना स्टार्ट हुआ था। 2018 के बाद 2022 का सभी को इंतजार था कि आपकी 19 में जब इलेक्शन था तो 18 में वैकेंसी देखने को मिली थी। अगले साल आपका इलेक्शन है तो इस बार आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। यानी सारे लोग तैयार हो जाइए, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जो है लाइब्रेरियन, और साथ ही साथ आपके जेएस से तमाम तरीके की वैकेंसीज आपकी अच्छी खासी संख्या में आ चुकी हैं। तो चलिए डिटेल के बारे में जानते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आई है, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे और पाठ्यक्रम क्या होगा, कहां पोस्टिंग मिलती है, कैसे क्या चीजें होती हैं, सभी चीजों पर बहुत विधिवत बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी में कौन कौन से पद हैं, कितनी संख्या में पद हैं। तो इस बार आपकी जैसे हर बार आती थी तो कुछ पद आपके कम देखने को मिलते थे, इस बार कई आपके अधिक पदों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, मतलब 4 साल का असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आप सारे लोग जानते हैं, यह भी आपके जो है पेपर में आया है, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, ये सारी जानकारी इसमें दे दी गई है। केवीएस में इस बार जो आपकी वैकेंसी के लिए चीजें खींची गई है, पीआरटी जो प्राइमरी टीचर वैकेंसी होती है, ठीक है, जो प्राथमिक आपके जो है वैकेंसी है शिक्षकों की, प्राथमिक शिक्षक की अच्छी खासी वैकेंसी आई है जिसमें आप देखेंगे टोटल वैकेंसी 6414 पद आपके प्राथमिक शिक्षकों के लिए है। इसमें यह बात आपकी चल रही थी कि बीएड वालों को बाहर किया जाएगा या बीटीसी वालों को ही केवल मौका मिलेगा, तो साफ साफ नोटिफिकेशन में यह इंगित कर दिया है कि बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट दियर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन द मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द एसएलपी ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा उन्हीं के आधार पर आगे उन पर निर्णय होगा। तो बीएड बीटीसी के इसका चल ही रहा है मामला, तो बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। इस बार यह कहा जा रहा था कि बीएड वाले अप्लाई हो सकता है ना कर पाए, केवल डीएलएड वाले हों, बीटीसी वाले हों, लेकिन दोनों को अप्लाई करने का मौका दिया है। इसमें जनरल के आपके 2599 पद हैं, ओबीसी के लिए 1731 पद हैं, एससी के लिए 962 पद हैं, एसटी के लिए 481 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 641 पद रखे गए हैं, ओएच और बीएच के लिए भी आपके 97 और 96 पद रखे गए। टोटल 6414 वैकेंसी आ चुकी है, मौका बहुत जबरदस्त है दोस्त, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा भर्ती अभी तो हमें कुछ भी कंफर्मेशन है नहीं, तैयारी जो लोग कर रहे हैं लग जाइए, बहुत जल्द ही बहुत अच्छी तरीके से विधिवत बैच लेकर के आ रहे हैं अच्छे शिक्षकों के माध्यम से। और इसमें दूसरी चीज बात करते हैं कब से शुरू होगा, 5/12 से आपका शुरू होगा, 5 दिसंबर से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। केबीएस की वेबसाइट पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी और लास्ट डेट जो होगा वह 26 तारीख होगा, 26/12 तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, 5/12 से स्टार्ट होगा और आपके 26/12 तक रहेंगे। साथ ही साथ इसमें आपकी जो अन्य वैकेंसी है उनके बारे में बात करें कि कौन कौन से अन्य पद आए हैं, तो एक आपका असिस्टेंट कमिश्नर का भी इस बार पद आया है इसमें, ठीक है, जिसमें आपकी टोटल जो पद दिए गए हैं वो पद आपके 52 पद एक तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर में दिए जा गए हैं। प्रिंसिपल के लिए बात किया जाए, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के लिए भी 239 पद आपके प्रिंसिपल के लिए हैं, ठीक है। साथ ही साथ वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो लगभग 303 पद आपके वाइस प्रिंसिपल के देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की भी वैकेंसी है, साथ ही साथ इसमें पीजीटी और टीजीटी की भी वैकेंसी शामिल है। पीजीटी टीजीटी अच्छी खासी नंबर में आपकी वैकेंसी आ चुकी है। यूपी वाले जो लोग लगे हुए थे यूपी की वैकेंसी में, आपके लिए एक अच्छा मौका आ चुका है। जब हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपके हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और आपके बायोटेक, ठीक है, इन पर पोस्ट है और टोटल आपके 1409 या कितना पोस्ट है, ठीक है, टोटल चीजें नहीं दिख रही, उतना कंफर्म नहीं दिख रहा है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। तो 1400 आपकी पोस्ट इसमें देखने को मिल रही है, ठीक है। पीजीटी के लिए अलग अलग आपके पद हैं जिसमें पूरा, ठीक है, और भी डिटेलिंग के बारे में इसमें थोड़ी सी अच्छी जो इसकी पीडीएफ है वो लगा के मैं बता दूंगा। टीजीटी की बात करें, टीजीटी इस बार अनुमान ये चल रहा था, जैसे आपका पीआरटी का अनुमान चल रहा था कि 6000 वैकेंसी जाएगी और 6000 देखने को भी मिले, टीजीटी में हम बात करें तो टीजीटी में इस बार जो पद है वो 3100 आपके 16 पद है, अच्छी खासे पद आ चुके हैं टीजीटी में भी। इसमें भी जो विषय है आपके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, ठीक है, मैथमेटिक्स, साइंस और आपके जो है
म्यूजिक के भी ठीक, एक तो रहता ही रहता है, अच्छे खासे पद हैं, 3100 आपके 16 पद टीजीटी में देखने को मिल रहे हैं और आपके 1409 पद आपको देखने को मिल रहे हैं पीजीटी में, तो ठीक ठाक संख्या है, अच्छी खासी संख्या मानी जाती है भाई, 1400 पद और आपका 3100 पद इधर, ठीक है, 4-5 हजार वैकेंसी के करीब टीजीटी और पीजीटी का हो गया, प्राथमिक में 6000 वैकेंसी आपकी हाई है। साथ ही साथ इसमें हम बात करें लाइब्रेरियन की, तो लाइब्रेरियन की पद एक जेएसए का भी इसमें पद होता है, लाइब्रेरियन की बात की जाए तो इस बार ठीक ठाक वैकेंसी है, लगभग 333 या 388 पद देखने को मिल रहे हैं लाइब्रेरियन में आपका, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरियन के लिए अच्छी खासे पद है। साथ ही साथ इसमें जैसे बात किया जाए प्राइमरी टीचर म्यूजिक की वैकेंसी अलग होती है, सभी को मालूम है प्राइमरी टीचर अलग रहता है, प्राइमरी टीचर म्यूजिक अलग रहती है वैकेंसी, तो म्यूजिक वाली भी वैकेंसी 303 वैकेंसी है, अच्छी खासी म्यूजिक के लिए आपकी अलग से आई है प्राइमरी टीचर में, ठीक है। उसके बाद कुछ वैकेंसी आपकी फाइनेंस ऑफिसर की भी दी गई है, 6 पद फाइनेंस ऑफिसर के लिए हम। साथ ही साथ इसमें जब बात की जाए तो फाइनेंस ऑफिसर के अलावा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियर की भी वैकेंसी इसमें है आपकी, ठीक है, 2 पद इसमें आए हैं और आपका एएसओ की भी वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर संभागीय अधिकारी की, सहायक संभागीय अधिकारी की भी वैकेंसी है, अच्छा पद होता है, ठीक है, 156 पद आपके सहायक संभागीय अधिकारी की भी वैकेंसी है, ठीक है, तो यानी जो लोग बीएड और बीटीसी वाले नहीं है उनके लिए भी अच्छे खासे पद है भाई, लाइब्रेरियन है, एएसओ हो गया, ठीक है, अब बीटेक वाले हो गए तो उनके लिए आपका सिविल का असिस्टेंट इंजीनियर का हो गया, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग केवल बीटीसी बीएड शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए है, सभी के लिए यह अच्छी खासी वैकेंसी आई है। उसके बाद इसमें ठीक है आपका हिंदी ट्रांसलेटर की भी वैकेंसी है, हिंदी ट्रांसलेटर में 11 पद इस बार आए हैं, अच्छे पद आए हैं, हिंदी ट्रांसलेटर की बात की जाए तो इस बार अच्छे पद आए हैं, 11 पद आए हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें हम बात करें तो आपका जो है सेक्रेटरीट आपका असिस्टेंट का दिख रहा है, आगे कुछ और जुड़ा हुआ है तो वहां पर हम बात करें, इसमें भी आपको जो है अच्छे खासे पद देखने को मिल रहे हैं, लगभग 300 कुछ पद यहां पर भी है, और फिर आपके ठीक है दो तरीके के आपके असिस्टेंट की बात कही गई है, और एक सेकंड में देख ले रहा हूं कौन कौन से हैं, इसमें आपका पूरी चीजें फटी हुई है तो दिखाई नहीं दे रही कि उसमें नाम क्या लिखा है, ठीक है, अच्छे खासे पद है, यानी मौका आप सभी के पास अच्छा खासा है, अगर आप इसमें लग रहे हैं बीटीसी बीएड नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो है इसमें जैसे आपका जो ये खास तौर पर बनना सेक्शन ऑफिसर वाला, ठीक है, ट्रांसलेटर की वैकेंसी बन रही है, इन सभी के लिए जो लोग कॉमन है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें जैसे हम बात करें, हाँ, हिंदी ट्रांसलेटर के बाद आपकी जो है सीनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें पदों की संख्या आपकी 322 पद है, इसके लिए आपकी 322 पद है। साथ ही साथ दूसरा जो आपका दिया है यह आपका जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट की बात है, तो सीनियर जूनियर दोनों है, अच्छी वैकेंसी हो गई भाई, अभी जीएससी की उधर बात किया जाए, ठीक है, तो उसमें भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें जब हम बात करें तो इसके पद आपके बहुत ज्यादा इस बार आए हैं, जीएससी की वैकेंसी इस बार आपकी 708 पद देखने को मिल रही, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी हो गई जीएससी में, आपका 702 पद देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें स्टेनोग्राफर के भी आपकी पोस्ट ठीक ठाक इस बार देखने को मिले हैं, ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है जिसमें कुल पद आपके 54 है, स्टेनोग्राफर के लिए 54 पद स्टेनोग्राफर, यानी आप बीएड बीटीसी कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, अन्य तो पढ़ाई कर रखे हैं जिसमें आपके लिए स्टेनोग्राफर, ठीक है, जो आपका एक तरीके से असिस्टेंट, ठीक है, जो सेक्रेटरीट असिस्टेंट है जूनियर का और सीनियर का, दो तरीके पद, ठीक, साथ ही साथ जेएससी का पद आपका सहायक संभागीय अधिकारी असिस्टेंट जो आपका सेक्शन ऑफिसर है, सिविल के आपके पद, तो और सबसे बड़ी बात है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर टीजीटी पीजीटी पीआरटी सभी की बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। 5 तारीख से आपकी जो है इसमें एप्लीकेशन केवीएस के आपकी जो साइट है वेबसाइट है वहां पर प्रारंभ हो जाएगा, केवीएस संगठन .org पर देखने को आपको मिल जाएगा किस में किस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए, इन सभी के विषय में अलग अलग पदों की, पीजीटी के लिए क्या, टीजीटी के लिए क्या, प्रिंसिपल के लिए क्या, वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए क्या, साथ ही साथ एएसओ के लिए क्या चाहिए, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्या चाहिए, लाइब्रेरियन के लिए क्या चाहिए, आपके जेएससी के लिए, ठीक है, क्या चाहिए, इन सभी के बारे में, स्टेनोग्राफर के लिए क्या चाहिए, सभी पर अलग अलग उनकी शैक्षिकार्हता उनके परीक्षा पैटर्न को लेकर के मैं अलग अलग वीडियो के तौर पर आपसे मिलूंगा। आज यह बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी तो मैंने सोचा पहले इस बात को आपसे बता दूं, आगे इसमें क्या कौन से आपके बैच होंगे
उनके विषय में भी आपको जानकारी दूंगा। अन्य कोई भी बात आपको कहनी है, नीचे संस्था के नंबर चल रहे, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, हम लोग उसका जवाब देंगे। अगली जब वीडियो बनाएंगे तो आपके कमेंट को हम वहां शामिल करते हुए सारी जानकारियां आपको स्पष्ट तौर पर उपलब्ध कराएंगे। तो मैं आपसे विदा ले रहा हूं, जल्द ही मिलता हूं इसमें इसकी जो शैक्षिक अहर्ताएं हैं उन विषयों पर विधिवत व्याख्यान के साथ, विधिवत जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, सारे लोगों को जरूर एक बार यह वीडियो शेयर कर दें, जो आपके जो है साथी हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, एक इंतजार में बैठे थे, तो वह इंतजार कहीं ना कहीं अब आपका जो है सफल होता दिख रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।